मुझे आपसे कुछ कहना है। आई हैव टू से समथिंग। कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है, कुछ कहना चाहती हूँ। इस तरीके से हम बहुत बार अपने पार्टनर से बोलते हैं कोई बात शुरू करने से पहले, करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। और आपको पता है ये वो चीज है जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने पार्टनर से ये लाइन मत बोलिए कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ पूछना है, यार सुनो ना कमरे में आओ जरा कुछ बात करनी है, कोई जरूरी डिस्कशन करनी है, मत बोलिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप अपने पार्टनर को ये चीज बोलते हो, ये लाइन बोलते हो कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो आपका जो पार्टनर है वो अपने दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव सोचने लगता है कि यार उस बात पे टोकने वाला होगा या इस बात पे टोकना होगा। मतलब आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोचेगा कि आप उससे कुछ नेगेटिव कहने वाले हो या आप कुछ रोक टोक करने वाले हो, आप कोई बंदिश लगाने वाले हो, आप डांटने वाले हो, आप उसको कुछ समझाने वाले हो। ये वो अपने तरफ से ही सोचना शुरू कर देता है अपने दिमाग में। कब? जब आप ये बोलते हो कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुझे कुछ कहना है, ये सुनते ही। और इससे क्या होता है, आपका जो पार्टनर है ना वो डिफेंस मोड में चले जाता है, अपने आप को डिफेंस करना चाहता है, बचाना चाहता है कि मैंने तो ये काम नहीं किया। वो अपने आप बहुत सारी चीज़ें सोच लेता है कि अगर ये ऐसे बोलेंगे तो मैं ये बोलने वाला हूँ, इन्होंने ऐसा कहा तो मैं ऐसे बोलने वाला हूँ। वो बहुत कुछ अपने दिमाग में सोचकर पहले ही प्रिपेयर हो जाता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है आपके सवालों के लिए, आपकी बातों के लिए। हो सकता है आप वो बात करना भी नहीं चाहते हो, लेकिन ये प्रिपेयर है। पहला नुकसान तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, इस वजह से क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ सोच चुका है, हर बात का जवाब ढूंढ चुका है, ऐसे में जब आप उससे कुछ कहते हो, बात करते हो, तो वो इंसान फिर आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो आपको सुनना नहीं चाहता, वो सुनता नहीं है, वो सिर्फ आपके सामने बोलता है, आपकी बातों का जवाब देता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही बहुत कुछ चल चुका है। ऐसे में आप उसे कभी भी कुछ समझा नहीं सकते, वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ आपसे आर्ग्यू करेगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ और चीज होगी ही नहीं एट एनी कॉस्ट। सो अपने पार्टनर को ना ये बोलकर कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है या फिर आई हैव टू से समथिंग, ये लाइन बोलकर अलर्ट ना करो, वो डिफेंसिव मोड में चला जाए, वो काम मत कीजिए कभी भी। इस तरह से लाइन कभी भी अपने पार्टनर से मत बोलना, सबसे पहली चीज। अब बात आती है कि ये ना बोले तो बात कैसे करें। तो देखो, जब भी आपके मन में कोई बात है जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, कुछ भी ए टू जेड हो सकती है वो चीज़ें, तो वो सडन आप बात कहना शुरू करते हैं बहुत अच्छे मूड में और अच्छे मोड पर। ऐसा ना हो कि आप उसको बताकर बात कर रहे हो, नहीं, कभी भी आप जब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, साथ में हो, उसी टाइम पर आप वो बातें नेचुरली कहते चले जाएं जो आप कहना चाहते हैं, उसके लिए उसको प्रिपेयर ना करें। जब आप सडन अचानक से बहुत प्यार से वो बातें कहेंगे जो आपके मन में है, तो वो क्या है, उसके दिमाग में पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, उसको पता भी नहीं था आप क्या बात करने वाले हो। ऐसे में जब आप कुछ कहोगे ना, कुछ समझाओगे, तो वो इंसान पूरी अटेंशन देकर आपको समझेगा, सुनने की कोशिश करेगा, और उस टाइम पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उसके पास पहले से प्लान्ड कोई आंसर्स नहीं होंगे आपको जवाब देने के लिए। सो जो भी चीजें उसके तरफ से निकल के आएंगी वो नेचुरल होंगी, जो सच होंगी, जो प्लान्ड नहीं है। सो जो बात करने का तरीका है ना पार्टनर से, वो यही होता है कि आप डायरेक्टली जाएं, अच्छा सा मूड देखें और एक्सप्रेस करें, प्यार से समझाएं या प्यार से जवाब मांगे, जो भी आप बात करना चाहते हैं उस बारे में, पहले से उसको प्रिपेयर ना करें। सो अगर आप इस तरीके से अपने पार्टनर से बात करते हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आपको आंसर देगा, रिप्लाई करेगा। सो अगर आप इस तरीके से अपने पार्टनर से बात करेंगे ना, तो वो जो कॉन्वर्सेशन है वो यूजफुल होने वाली है, तब आपका पार्टनर अच्छे से आपको सुनेगा और रिस्पॉन्स देगा। बात करने का सही तरीका यही होता है।
होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी उलझी हुई जिंदगी में थोड़ी सी राहत आएगी। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं जो कि पेड होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।